लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 का के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। फिलहाल बागपत में सही 7 बजे को मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए और अपनी सरकार चुनने के लिए मतदाता केंद्रों तक मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। बागपत में इस वक्त हम बढ़ोत में हैं, जहां इक्का दुक्का मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। बागपत में सुबह के समय मतदान की धीमी गति होने का बड़ा कारण है कि यह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ इस वक्त जो है गेहूं की कटाई का काम जोरों पर चला हुआ है। माना जा रहा है जैसे जैसे समय बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, उसी के साथ साथ जो है मतदाता घरों से निकला किसान और कमीरा अपना काम को निपटाने के बाद अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथों तक आएगा। आप मेरे नजदीक देख सकते हैं कि फिलहाल जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है किए गए हैं। पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की निगरानी में तमाम चुनाव जो है वो कराया जा रहा है और इक्का दुक्का जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करके बाहर भी निकल रहे हैं। फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि आधी आबादी यानी महिलाएं हैं वो अपने मतदान को जल्दी करके अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश करी है। इसलिए माना जा सकता है कि आधी आबादी जल्दी मतदान करके अपने घरों को पहुंचेगी। विवेक कौशिक, पंजाब के सीटीवी पर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।